राम राम दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऊषा इंडक्शन कुकटॉक में जितने भी जो भी फंक्शन दिए गए हैं वो किस तरीके से चलते हैं और इसमें जो कुछ दिया गया है वो हम आज सभी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम अपना स्विच ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा स्विच ऑन हो चुका है। तो आपको दिखाने के लिए दोस्तों हमें इस पर एक बर्तन रख लेते हैं क्योंकि ये बिगर बर्तन रखे चलता ही नहीं है। तो दोस्तों इस बटन से आप इसे प्रेस करेंगे और यहाँ से तो ये दोस्तों चल जाएगा। और अभी दोस्तों ये चल चुका है और इससे आप वाट को बढ़ा सकते हैं और इस वाले से घटा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बर्तन के लिए जो फंक्शन दिए गए हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और दोस्तों इसमें एक ये टाइमर दिया गया है, इससे आप टाइमर भी लगा सकते हैं, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और इससे टाइमर घटा सकते हैं। तो ये टाइमर दिया गया है। और दोस्तों एक ये फंक्शन दिया गया है जो कि आपका दूध है ज़्यादा उभरने वाला, तो आप यहाँ प्रेस करेंगे तो ये एकदम रुक जाएगा, आपका दूध नहीं उबलेगा, और दोबारा से करेंगे तो ये चल जाएगा। तो दोस्तों इसमें एक लॉक वाला बटन दिया गया है जो कि दोस्तों इसे 3 सेकंड दबाने से ये लॉक हो जाता है। तो दोस्तों अब ये लॉक हो चुका है। अब इससे ये फ़ायदा है कि दोस्तों आपके घर में कोई छोटे छोटे बच्चे हैं तो जो है इससे किसी तरीके से टच करेंगे तो ये दोस्तों अब वैसा ही चलता रहेगा। अब आपको इसे लॉक हटाना है तो आपको फिर 3 सेकंड इसे दबा के रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये चलता है। और दोस्तों इसमें हम वाट कम करके दिखाते हैं जो कि ये पानी खोल रहा है, तो अभी तो ये लगातार चल रहा है, उसके बाद हम इसके वाट कम कर देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों ये 800 वाट पर किस तरीके से काम करता है। अब आप लोगों ने देखा दोस्तों ये जो है 800 वाट पर इस तरीके का काम करता है जो कि आपका दूध उफनने वाला है, तो ये उस तरीके से रुक जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों ये रुक गया, अब फिर चलेगा ये। और इसी प्रकार से दोस्तों ये थोड़ी तेज़ है, अब 400 वाट पे थोड़ा और धीरे काम करेगा ये। देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों अब थोड़ी धीरे और हो गया है इस तरीके से। और दोस्तों हम वाट और कम करके दिखाते हैं, तो दोस्तों ये 100 वाट से कम नहीं होता है। और दोस्तों अब हम पूरा फुल करके दिखाते हैं, ये दोस्तों देखिएगा 2000 वाट पे काफ़ी तेज़ी से चलता है ये। तो दोस्तों एक बात इसमें और है दोस्तों, अभी ये चल रहा है, अब हम इसे बर्तन को उठा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें ईओ लिख के आ चुका है, और आपका जो भी बर्तन नहीं चलेगा उसमें इस तरीके का लिख के आएगा, और इसमें जब जो भी बर्तन चलेगा उसे आप यहाँ रखेंगे जैसे अभी चल रहा था, तो अब ये दोबारा से चलने लगेगा इस तरीके से। तो दोस्तों एक बात और, यहाँ पर अभी 1000 वाट लिख कर आ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर E5 लिख के आता है। तो दोस्तों E5 क्यों लिख के आता है, वो इसलिए लिख के आता है कि जो इंडक्शन ज़्यादा अधिक गर्म हो जाता है तो इसीलिए उसमें E5 लिख के आता है। उससे दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग ये समझें कि हमारा इंडक्शन ख़राब हो गया है, वो जो है अपने आप ठंडा हो जाता है, उसके बाद में वो दोबारा से चलने लगता है। तो दोस्तों इंडक्शन बंद करने के बाद इसमें जो एक पंखा चलता रहता है, तो दोस्तों आपको मेन स्विच नहीं बंद करना है, आपके लिए पहले जो इसमें पंखा चलता है उसे बंद हो जाने देना, उसके बाद आपको मेन स्विच बंद करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।